वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज एसेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एसेलरेशन क्या है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू एसेलरेशन वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि एसेलरेशन को डिफाइन किया गया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एसेलरेशन हमारे पास एक रेशो है जो कि हमारे पास क्या होती है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास एसेलरेशन कहलाती है। ठीक, अब अगर हम देखें तो ये जो चेंज है, ये वेलोसिटी में चेंज, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास एसेलरेशन आती है, ना कि हम स्पीड को, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एसेलरेशन जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके लिए हमें एक डायरेक्शन रिक्वायर्ड है कि किस जो मतलब कि किस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है। तो अगर उसमें अंदर चेंज आ रहा है, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटीज की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है किसी बॉडी के लिए, और उसके लिए कितना टाइम उसने रिक्वायर्ड किया है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एसेलरेशन कहलाएगी। और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है, क्योंकि हमें वेलोसिटी का यूनिट पता है वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का अगेन हमारे पास सेकेंड आया, तो ये हमारे पास जो इसका यूनिट बनता है वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बनता है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था एसेलरेशन का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एवरेज एसेलरेशन है और रिटार्डेशन है वो हमारे पास क्या होती है। उसके लिए हम एक केस कंसिडर करेंगे कि जैसे हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स एक कार लेती हूँ, और मैं दो कार्स मैंने ले ली, एक मैंने ये कार ले ली और एक मैंने ये कार ले ली। ठीक, अब मैंने क्या किया कि ये एक, क्योंकि एक रोड पे ये जो दो कार्स हैं ये मूव कर रही हैं हमारे पास, और इन कार्स की जो डायरेक्शन है, यानी कि मोशन, सॉरी, ये जो थोड़ी सी लाइन जो है ये मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन इनकी जो मोशन है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, कि ये हमारे पास मूव कर रही हैं इन द डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में, ये मैंने डायरेक्शन शो कर दी कि ये यहाँ से यहाँ जो है इनकी मोशन है। ठीक, अब एक पॉइंट पे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये इसका इनिशियल पॉइंट था, और इनिशियल पॉइंट पे जो टाइम, यानी कि 0 सेकंड्स पे हमने देखा है कि ये टाइम 0 सेकंड्स पे एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पड़ी हुई, यानी कि रेस्ट की स्टेट का क्या मतलब है कि ये जो है स्टेशनरी है इस पॉइंट पे, ये मूव नहीं कर रही। तो अगर ये मूव नहीं कर रही तो हमें पता है कि इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी, यानी कि 0, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो 0 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और ये जो है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन है जिसमें मूव कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से हमने देखा कि ये वेस्ट डायरेक्शन में जो इसकी मोशन आई है, और इस पॉइंट पे ये जो फाइनल पॉइंट है जहां वो रीच किया है, तो इस पॉइंट पे अगर हम टाइम देखें तो उसने 10 सेकंड्स में वो इस पॉइंट पे पहुंची है। अगर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है हमारे पास, तो हमें पता चलता है कि ए से बी तक पहुंचने में उसने 10 सेकंड्स लगाए हैं, और इसके पास जो फाइनल इसकी वेलोसिटी है आई है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जिसे मैंने वी आई से डिनोट कर दिया है, और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है जिसे मैंने वी एफ से डिनोट किया, और ये हमारे पास आई है स्टूडेंट्स 20 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है। और अब मैं इसकी, अगर मैं कैलकुलेट करूँ स्टूडेंट्स, कि मैं इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, जिसे मैं लिख देती हूँ, सॉरी, मैं एवरेज एसेलरेशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं उसे ए से लिखूंगी, और ए के नीचे मैं थोड़ा सा छोटा सा ए एवरेज लिख देती हूँ। ए एवरेज जो है वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास टोटल 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 चेंज इन वेलोसिटी होती है। ठीक है, टोटल चेंज चेंज इन वेलोसिटी होती है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम होता है। ठीक, अब अगर हम देखें तो टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या आई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम करेंगे, और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, चेंज इन टाइम, जो कि हमारे पास इनिशियल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम देखें तो मैं इसको कैलकुलेट करने जा रही हूँ, वी एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज एसेलरेशन को, तो ए एवरेज जो हमारे पास आई है वो हमारे पास, हमें पता है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारे पास 20 थी, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 थी, क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ी हुई थी, और जो हमारे पास फाइनल टाइम उसने लिया है इस पॉइंट तक पहुंचने में, हमारे पास 10 सेकंड लिया, और इनिशियल जो टाइम था वो हमारे पास 0 था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 10 आया है, और एवरेज एसेलरेशन की जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 20
70 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। और ये किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये हमें पता है कि वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ये टुवर्ड्स द वेस्ट होगी, यानी कि जीरो पॉइंट ओ पॉइंट से लेके इसने यहाँ तक जो मूव किया ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया, तो ये इसकी एसेलरेशन है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमें यहाँ से पता है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास एवरेज एसेलरेशन जो है वो क्या आई है। अब हमारा जो दूसरी टर्म जो हमने आज पढ़नी थी वो है हमारे पास रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन के लिए भी इसी तरह हम एक और केस लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम जो है एक ये मेरे पास एक ये कार है और ये कार जो है इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, और एक और मैं कार लेती हूँ जो कि अपनी फाइनल पोजीशन पे यहाँ पहुँच गई है, और ये भी उसी तरह एक रोड पे जो है वो मूव कर रही है कार, और अब जो इसकी डायरेक्शन है वो अगर हम देखें तो हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन है, और ये हमारे पास किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी जो मोशन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। अब इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास जो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि वी आई जो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 30 मीटर्स पर सेकेंड है, और यहाँ इस पॉइंट पे यानी कि फाइनल पॉइंट पे पहुंच के, ये अगर मैं पॉइंट ए कह देती हूँ और इसको पॉइंट बी कह देती हूँ, तो फाइनल पॉइंट पे पहुंचने पर उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, यानी कि यहाँ जाके पॉइंट बीच पे जाके वो रुक गए, यानी कि रेस्ट की मोशन में आ गई, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इस वजह से हमारे पास जीरो होगी, और टाइम जो इसने लगाया यानी कि इनिशियल टाइम जो है वो हमारे पास जीरो है, यानी कि यहाँ से उसने इनिशियल जहाँ हमने वो टाइम जिस पे हमने उसकी कैलकुलेशन यानी कि नोट करना शुरू किया था वो हमारे पास ये है, और फाइनल टाइम यानी कि बी पॉइंट तक उसने जो पहुंची है तो उसने जो कितना टाइम लगाया, 5 सेकंड्स का टाइम लगाया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक केस है जिसमें हमने इसकी जो वैल्यूज हैं वो नोट किए हैं। अब हमने इसकी एवरेज एसेलरेशन अगर मैं कैलकुलेट करूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगी, ये मेरे पास एवरेज एसेलरेशन के लिए मैं उसी तरह AVE लिख दिया है मैंने, एवरेज एसेलरेशन, जो कि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो टोटल टाइम उसने जो है रिक्वायर्ड किया है इस पूरे चेंज के लिए। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास कितनी थी, 30 मीटर्स पर सेकंड थी, और टाइम जो इसने रिक्वायर्ड किया ए से बी तक पहुंचने में, तो वो हमें पता है स्टूडेंट्स कि वो 5 सेकंड्स का टाइम है। तो इससे हमें आंसर मिलता है कि ये आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -6, क्योंकि हमें पता है 6 5 30 होता है, 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर हमारे पास जो है वो इसकी एसेलरेशन आई है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो मोशन जो है कार की मोशन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में, और ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी एसेलरेशन की डायरेक्शन है, और ये हमने एवरेज एसेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब अगर ये नेगेटिव साइन देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनिशियली तो बॉडी जो है उसके पास एक एसेलरेशन थी कि 30 मीटर्स की स्पीड या वेलोसिटी के साथ वो जो है वो मूव कर रही थी, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जो है वो ये कार जो है एक कार जो है वो मूव कर रही थी, ठीक है, लेकिन फाइनल जो है वो रेस्ट की मोशन रेस्ट की पोजीशन में आ गई, जिससे हमें पता चला कि उसके अंदर क्या हुआ, रिटार्डेशन, और ये है रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। अब मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, या फिर इसे हम कहते देते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ रिटार्डेशन, या फिर हम इसको एक और नाम भी देते हैं जो कि हमें कहलाते हैं डीएसेलरेशन, ठीक है, यानी कि ये दो इसके नाम है, डीएसेलरेशन भी कह सकते हैं इसको हम, और रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें डीएसेलरेशन क्यों कहा जा रहा है कि इसमें एसेलरेशन जो है उसमें डिक्रीज आया, यानी कि इसमें इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो जो है वो गिर के जो है जीरो तक पहुंच गई, यानी कि एक डिक्रीज आया है उसमें, और ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है, यानी कि जब हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा हूँ एवरेज एसेलरेशन में, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, रिटार्डेशन की है, यानी कि इसमें डिक्रीज आया है इसकी वेलोसिटी में। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट एवरेज एसेलरेशन का और रिटार्डेशन का।